एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा, कैसे आप सब। तो आज हम देखने जा रहे हैं सूफिया अंसारी रोज 2.0 बाय सन की रोज। तो सन की रोज की नई वीडियो है एंड मतलब फिर से दिस इज गोइंग टू बी अ सूफिया अंसारी रोज बेसिकली। सो हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, चलिए देखते। केला खाने का, केला खाने का तेरे को? ये शाम तेरा केला दे। चैनल को सब्सक्राइब घंटा घंटी कर दो। जो वीडियोस यूट्यूब अलाउ नहीं करता वो मैं मेरे इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे आके हमको ज्वाइन कर लो। हाँ तो आज हम फिर से बाजू का सहारा इंस्टाग्राम को कॉर्नर बनाने में मेन छपरी रोल है, जिसे लोग कंटेंट में बोलते हैं। तो क्लीवेज में उसी छपरी को तुम कड़क माल है ऐसा बोलते हैं। और ये वो है जिसे लोग कंटेंट के लिए नहीं बल्कि उसके दो कंटेंट के लिए फॉलो करते हैं। खुद के हवस बुझाते और इसके इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में जेन्युइन कमेंट के बजाय हवस मिटाओ कमेंट होते हैं, तो कहीं गुप्त रोग के कमेंट होते हैं। हाँ मतलब जब छपरी ही छपरी प्रो मैक्स है तो उसके ऑडियंस से क्या एक्सपेक्टेशन रखे। आपको इसका 2.0 वर्जन दिखाते हैं और व्यूज लेने का ट्राई करते हैं। अच्छा, चलिए गुरु हो जाते हैं। रुको जरा, सबर करो। हाँ तो आज के अपने स्पॉन्सर है बिलुली, जो आपको आपकी बंदी का सच बताता है। तो सच जानने के लिए आपको इसे आपकी बंदी के सामने लाना होगा। और सामने लाते ही बिस्लुली आपके बंदी का सारा मेकअप खुद में ले लेता है और आपको उसको विदाउट मेकअप फेस दिखाता है। और ये आपको उसके स्नैपचैट के फिल्टर्स भी हटा के दिखाता है कि ये सनी लियोनी है या फिर टट्टी लियोनी है। और इस बिस्लुली का स्लोगन है मेकअप हटाओ आपका चुतिया कटने से बचाओ। तो चुतिया कटने से बचने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करके मैसेज करो और ये बिस्लुली लेके जाओ। तो चलिए गुरु हो जाते हैं शुरू। दांतों की सलामती के लिए सबसे बढ़िया उपाय, हमेशा मुंह संभाल के बात करें। ए, हसू मैं इधर। और दीदी जो तो आपकी कंटेंट से भी डेड था। दीदी अगर फनी वीडियोस बनाने का नहीं हो रहा है तो प्लीज मत करो, रन लो। आपकी सेवी कॉमेडी से कपिल शर्मा से लेके तन्मय भट्ट, अरे नहीं भाई, कपिल शर्मा से लेके जाकिर खान तक के। व्हाट इज दिस लैंग्वेज कबाल, इट्स कॉल्ड प्रिक हेयर। ओके हां वही, उसी में आग लग गई होगी कि ये सोफिया जोकर जोक मार रहे हैं और इसके ये वाले जोक मारते। देखिए तो समझ गया कि तुम जोक से लेके कंटेंट बनाने में कुछ नहीं कर सकता है जिंदगी में। अपने घर पे जाओ, बच्चों के गाने साफ करो। मतलब ना कॉमेडी करने आती और ना एक्टिंग करने आती है। ये हमारी सोफिया मैम बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। अबे चुके नहीं, तुम उसके छोड़कर कभी उसके मुंह को देखे भी हो क्या? तुम इतना बोल रहे हो, आइए देखते हैं। मलाया तैयार होके भंडारे में गया था, अंदर गया तो हलवा खत्म, पर बाहर आया तो चप्पल गायब। ऐसे लग रहा है जैसे इसे किसी ने पूरे कपड़े गिफ्ट कर दिए हो। ये क्या एक्शन है, मतलब तेरे साथ बुरा हुआ है तो बुरा एक्टिंग करके दिखा, ना कि हार्ट अटैक वाले एक्शन करके दिखा। मतलब एक्ट नहीं होता इनका, बस नंगा होना है। किस गाने पे किस हद तक नंगा होना है। अब आएंगे इनके सपोर्टर्स, वाओ सूफिया मैम, वाओ क्या टैलेंट है आपका, कितने बड़े बड़े दिल है आपके, कितने बड़े बड़े कंटेंट पेश करा है आपने। आ जाओ घुस जाओ अपनी समाज के मुखिया के गाने। ये जो बचपन का प्यार वाला ट्रांजिशन आया वो एकदम जैसे था और जिस तरह से इसने मुंह बनाया। हाँ हाँ खोपड़ी वालों, तुम जैसा नहीं कि मैं वहाँ ही देखते रहता हूँ, मैं इसके एक्सप्रेशंस को भी देखता हूँ। हाँ तो इसने जैसे मुंह बनाया बचपन का प्यार सुन के कि ऐसा लगा ये हेट करती होगी, पर ये खुद ही रील बनाती है। बचपन का प्यार सुन मुंह भी बनाना है और दूसरी तरफ उसी साउंड पे रील भी बनाना है। ऐसे कैसे चलेगा दीदी। और तो और इंस्टाग्राम लाइव पे आके अच्छी अच्छी बात भी करना है। यार वो बंदा बड़ा फेमस हो गया यार, वो छोटा सा बच्चा कितना क्यूटली गाता है वो, जानी मेरी जाने पर। गायू किसी एक का तो हो रहा है।
लड़कियों के क्लोज आने के लिए नाथू बनता है अंधा। लड़कियों के क्लोज आने के लिए नाथू बनता है अंधा। इसने यूथ के अंदर बढ़ाया है क्लीवेज वाला धंधा। हाँ हाँ, प्यार से आपको देख रहे हो, और कितना प्यार से देखें। उसे देख, उसका मत देख। हो खोपड़ी वालों, उसे देखो ना कि उसका देखो, और तुम जैसों की वजह से आज उसके 5 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं। दीदी आप जो बोल रही हो, लोग मिले दिल खिले उसी से सब कुछ पूरा नहीं हो जाता, समझी क्या? जीने को ऑक्सीजन, खाना पानी चाहिए, मिलेगा जले से तुम जीने लगोगी। कुछ तो अक्कल रे, पैदा कैसा हो गया रे तू? बहुत गर्मी लग रही है दीदी। गर्मी लग रही है तो एसी फैन चला लो। लेकिन नहीं, रील पे आके बकचोदी पहननी है। बहुत गर्मी लग रही है यार, तुम लड़कियों को इतनी गर्मी क्यों लगती है? हम होते हैं ना। मेरे को लगा दीदी को सच्ची में गर्मी लग रही है, पर दीदी तो हम हॉट है ना। ये तो ऐसे बोल रही है जैसे चूल्हे में हीटर फिट कर रखा हो, उसलिए ये हॉट है। और दीदी गर्मी है तो कोठा पे बैठो, कोठा पे निकालो। ओह माय गॉड, दीदी तुम बदतमीज नहीं बल्कि तुम एक नंबर का चूतिया हो यार। जो गाने पे तुमको 10-11 बिलियन व्यूज चाहिए, पर लोगों की रिव्यू नहीं चाहिए कि कैसे आप क्लीवेज दिखा के यूथ को इन्फ्लुएंस कर रही हो। उन्हें इनडायरेक्टली ये बता रही हो कि क्लीवेज इज इक्वल टू फेम एंड मनी। तो दीदी आप कोई अच्छा काम नहीं कर रही हो। अब चाहे साहब घर में आके दोस्ती कर ले, रहता तो जहरीला ही है ना। कितने चलिए मुतने जा रहे हैं, पकड़ोगे? मैं सच बताऊं तो मैंने तुम जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं देखा। और सच बताऊं तो तुम पूरी जिंदगी में कभी देख भी नहीं पाओगे। ये जो तुम शिनचान के आवाज में चोदिया पेल रही हो, और बहुत नाकाम कोशिश करने के बाद तुम शिनचान तो नहीं पर टट्टी चान पक्का लग रही हो। ये शिनचान बनने की कोशिश, बहुत बुरे लग रहे। तौबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। एक ही पटाओ लेकिन मस्त पटाओ, बिल्कुल मेरे जैसी। एक बार का लखनऊ गर्ल को पटाने का सोच भी ले, पर तुझे तो नींद में भी पटाने का ना सोचे। सोफिया का कड़क माल है, बजाय सीधा शादी करूंगा। तू खुद सोचने लगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। सच्चाई तो मौसियों की राजकुमारी के साथ केबीसी जम के मजे लेंगे तो ना, तू लगा दे। सर जी अब तो सैलरी दे दो, जाना लगे। क्या आप बनोगी चुतिया? तू दिन में कितना क्रिंज फैलाती है? 3-4 लीटर। क्या तू अच्छी कंटेंट क्रिएटर है? तेरा लोगों को चुतिया बनाने का धंधा कैसा चल रहा है? मस्त। तू असली में क्या है? पागल औरत। पूजा के बाद दूसरी चुटिया कौन है? बिंदास का ब्याह। तू रील्स पे आती है क्या करते करते? डिनर करते करते। तेरे लेवल का क्रिंज कौन था? बचपन का प्यार। दीदी को कौन ठोकने आने वाला था? लूसिफर आने वाला था। तुम ये क्लीवेज गिरी किस लिए कर रहे हो? लाइक्स और व्यूज के लिए कर रहे हो। तूने कब रील्स पे ज्यादा चुटिया पे करी है? आई थिंक आज। तू कितने दिन में 1,00,000 रुपए कमा सकती है लोगों का चुटिया काट के? एक दिन में। क्या तूने यूथ को क्लीवेज के दलदल में डाला है? Yes. लोगों की चोको फीसुबाई कैसे लेती है? क्लीवेज दिखा के फॉलोअर्स पाने का धंधा तुझे कैसा लगता है? मुझे अच्छा लगता है। तूने बिल्कुल तेरे 25 पैसे के दिमाग जैसे जवाब दिया है, तो इसी बात पे मैं तुझे दूंगा। क्या मार्वल के ग्रूट का? इंस्टाग्राम पे आ जाओ और ज्यादा चोदी देखने के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। लद्दाख का सरकार। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटा भी दबा दो। ओके, तो ये वाला वीडियो था सन का बाय मतलब ऑफ सोफिया अंसारी, और जो केबीसी यहाँ पे खेला गया है ना आज का, सीरियसली बड़े खतरनाक क्वेश्चन है, उनके आंसर भी इतने ज्यादा खतरनाक यहाँ पर। अरे यार सीरियसली यार बढ़िया मजा आया सच में बोलूं तो। आज का वीडियो था थोड़े लिटिल जो भी एड किए और ऐसा चाहिए।
सो आई होप दैट एंड ऑल्सो ये वाला जो वीडियो है तो इस पे लाइक सब की वीडियो पर लाइक लिमिटेड एड्स आए हुए हैं, तो प्लीज ये ओरिजिनल लिंक वीडियो का लिंक लाइक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो लिंक पे जाके तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू इस चैनल, मतलब शेयर भी करो वीडियो को क्योंकि लाइक इट इज लिमिटेड तो रिच नहीं देता यूट्यूब, सो डू दैट फॉर हिम. सो दैट इज इट फॉर टुडे. अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया, इससे प्लीज फॉलो दैट टू. थैंक यू.